अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल जी। तो आज मैं बनाने लगी हूँ चॉकलेट केक, जिसके लिए मुझे चाहिए यहाँ पे 2 अंडे, 1/3 कप यहाँ पे मैं मैदा यूज़ करूँगी, और बाकी जो रिमेनिंग कप रह जाएगा वो होगा कोको पाउडर, उसमें ऐड कर दूँगी। 1/3 कप यहाँ पर मैं शुगर ले रही हूँ, और उसके बाद 1/2 कप जो है मैं यहाँ पर मिल्क यूज़ करूँगी, और साथ ही 1/2 कप ही मैं यहाँ पर ऑयल यूज़ करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं केक का बैटर रेडी करने के लिए अंडों को बाउल में डालूंगी, और उसके बाद यहाँ पे 2 चुटकी बराबर नमक और शुगर ऐड करके उसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी। आप लोग ये मेजरमेंट देख सकते हैं कि मेजरमेंट बहुत इजी है, आप इसको देखते हुए इजीली केक रेडी कर सकते हैं। ठीक है, मींस कि मैंने जो मेजरमेंट बताई है, लाइक जैसे 1 कप है 1/2 कप मिल्क, 1/2 कप ऑयल, कोको पाउडर और मैदा आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, कि 1/3 कप मैदा और 1/4 कप जो है वो कोको पाउडर ऐड किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने अपना जो मिक्सर था अंडों वाला, वो मैंने ऑलमोस्ट रेडी कर लिया है, क्योंकि इसका देखिए कलर आप देख सकते हैं, इसका कलर चेंज हो चुका है, और इसमें जो शुगर थी वो भी डिसॉल्व हो चुकी है। इसके बाद मैं यहाँ पे मिल्क ऐड करूँगी, और साथ ही मैं इसमें ऑयल भी ऐड कर दूँगी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मुझे कुछ डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा फील हो रही थी, एक आप लोग समझ ही गए होंगे। और ये मेरा छोटा सा टेडी बियर, जो कि मैं उन लोगों को यहाँ पे अपने साथ अज्यूम कर रही हूँ जिन लोगों ने मुझे स्पेशली केक के लिए बोला कि आप केक बनाएं, जितने भी लोग थे ये मेरे साथ मैं इस वक्त महसूस कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं मैदा और जो कोको पाउडर है वो ऐड करूँगी। मैदा और कोको पाउडर को मैंने पहले से ही स्ट्रेन करके रख लिया था, ताकि उसमें जो भी गुठलियाँ वगैरह हों वो ख़त्म हो जाएँ। इसके बाद यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून जो है यहाँ पर, सॉरी टी स्पून जो है वो यहाँ पर मैं बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी, और 1/2 टेबल स्पून जो है, सॉरी टी स्पून जो है वो यहाँ पे बेकिंग सोडा ऐड करूँगी। उसके बाद 1/2 टेबल स्पून या 1/3 टेबल स्पून जो है वो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वनीला एसेंस को, इसको हाथ से ही चम्मच की मदद से मैं इसको हल्के हाथों से बीट करूँगी, ताकि इसमें जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। ठीक है, मैंने मोल्ड अपना पहले ही रेडी करके रख लिया था, उसमें ऑयल को ग्रीस करके बटर पेपर लगा के, तो आप पहले करके ये सब कुछ रख लीजिएगा, ताकि वक्त की बचत हो जाए। और इसके साथ ही मैंने अपने कुकर को भी प्री हीट होने के लिए रख दिया था, 15 to 20 मिनट हो चुके थे, जो कि ऑलमोस्ट मेरा कुकर अच्छे से गर्म हो चुका था। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई भी सॉल्ट वगैरह यूज़ नहीं किया। इसके बाद मैं अपना मोल्ड इसमें रख दूँगी, और इसको हल्के आंच पे ऑलमोस्ट 35 to 40 मिनट के लिए बेक करने के लिए रखूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा केक जो है वो बेक हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह से। मैंने यहाँ पे बीच में एक बार चेक भी किया था, लेकिन तब मेरा केक अच्छे से बेक नहीं हुआ था, उसमें कुछ मेरी स्टिक के साथ थोड़ा लम्स वगैरह निकल रहे थे। तो यहाँ पे सेकंड टाइम मेरे चेक करने के बाद माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा केक जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया, आप देख सकते हैं, जो कि मुझे ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट लगे थे मेरे इस केक को बेक होने के लिए। तो इसे अब मैं डीमोल्ड कर रही हूँ। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे मेरा मोल्ड जो है वो थोड़ा गंदा हुआ पड़ा था, गंदे से मेरा ये है क्योंकि अभी मैंने कुकर में रखा था, वो तो ख़राब हो गया था। अब यहाँ पे मैंने कॉफ़ी सिरप बनाया है, जो कि 1/2 टेबल स्पून जो है वो कॉफ़ी लिया है, उसके बाद 2 टेबल स्पून शुगर एंड देन वाटर, उसको अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे मैं सारे जो कॉफ़ी सिरप है वो सारे अपने चॉकलेट केक में ऐड कर दूँगी। इससे क्या होगा कि एक बहुत अच्छा सा आपको एक टेस्ट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद मैंने चॉकलेट का गनाश जो थी वो पहले ही बना के रख ली थी, आप लोगों के साथ ये बहुत जल्द इंशाल्लाह रेसिपी शेयर करूँगी। ठीक है, आप लोग इसमें अपनी मर्ज़ी के चाहें तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लाइक नट्स वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ये आप लोगों की मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। मुझे एक बार सिंपली ही केक चाहिए था, चॉकलेट केक चाहिए था, तो मैंने ये रेडी किया है। ठीक है, इसके बाद आप लोग मैं इसे ऑलमोस्ट 1 आवर के लिए फ्रिज में रेस्ट के लिए रखूँगी। ठीक है,
और अब आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से मेरा केक कितना मज़े का तैयार हुआ है, सॉफ्ट सा और बिल्कुल भी उसमें हार्डनेस नहीं है। आप चेक करिएगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह आप इसे ट्राई करेंगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ठीक है, ये चेक करें, माशाल्लाह से कोई इसमें हार्डनेस नहीं है, बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट बन के मेरा केक रेडी हुआ है। और माशाल्लाह से खाने में इतना लजीज था कि मैंने जिसको भी टेस्ट करवाया उसको बहुत पसंद आया। ठीक है, आप इसको कॉफ़ी के साथ भी दे सकते हैं और चाय के साथ भी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।